हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। कैसे हैं आप लोग? मैं गौरव वर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा में। आज का अपना टॉपिक उन सबों के लिए यूजफुल है जो कहीं ना कहीं से टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं और इन फ्यूचर सीटीईटी या किसी भी स्टेट का टीईटी देना चाहते हैं। तो अपने आज के इस टॉपिक को चलने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो भी लोग आज मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर उन्हें लगता है कि वीडियो उनके लिए यूजफुल है तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि उनको हमारी सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का अपना टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि जो लोग भी इन फ्यूचर सीटेट या किसी स्टेट का टीईटी देना चाहते हैं तो जो उनका सिलेबस होता है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, सीडीपी, तो सारा आप पढ़े हुईगा। सारा का 15-15 नंबर में दोनों डिवाइड होता है। जैसे कि मैथ में 30 नंबर का क्वेश्चन होता है तो मैथ का 15 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 to 5 या 6 to 8 का ही रहता है। जो पेडागोजी टर्म है उस पर आपको मेहनत ज़्यादा करना है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप 15 नंबर इजिली हर टॉपिक का बना दीजिएगा, और जो पेडागोजी टर्म है उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। और सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये जो है इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको आप कहीं से रट नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां से आपको मिल रहा है तो उस पर आप जितना पढ़िएगा फिर आपको मन नहीं लगेगा। और जैसे इसको आप कहानी की तरह समझिएगा ना तो आपको बहुत मजा भी आएगा और इसे आप बहुत आपको लगेगा कि बहुत इजी है। तो हम लोग आपके इस चैनल पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाल शिक्षा एवं विकास का ही। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के अंदर में आपको 3 सेक्शन मतलब 3 टॉपिक पढ़ना है। आपने इसमें अगर 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आपका सीडीपी कंप्लीट हो गया। इसमें सेक्शन नंबर ए जो पहला टॉपिक है वो क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके अंदर में लमसम 15 से 20 पॉइंट है जिसको हम लोग क्लियर करेंगे। सेकेंड सेक्शन अपना आता है समावेशी शिक्षा और विशेष समझ वाले बच्चों की आवश्यकताओं की अवधारणा। एक मूवी आई हुई थी आपको आमिर खान की, उस मूवी का नाम था तारे जमी पे, जिसमें जो बच्चा होता है वो एक तरह का विशेष तरह का बच्चा होता है उसके पढ़ाई के पैटर्न को। ये सब क्वेश्चन आपका पेडागोजी का ही है। उसके बाद अपना अगला सेक्शन है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। तो हम लोग सबसे पहले अपने सेक्शन एक पे पूरा फोकस करेंगे, उसका जितना भी पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे ए बी सी तीनों को कंप्लीट करेंगे। और आपने इस 3 सेक्शन को कंप्लीट कर लिया तो आपका सीडीपी पूरा कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन ए में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो पहला पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, विकास क्या होता है। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके एक शब्द को, हर एक शब्द को समझिए। पूछ रहा है कि विकास क्या होता है, हम सबों को पता होता है कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या है। तो विकास और वृद्धि दोनों परस्पर आपस में सिमिलर ही हैं, पर कुछ जगह पे इसका अपना एक अलग डिफरेंस होता है। जैसे कि विकास हुआ, विकास आपको माँ के गर्भ से लेकर जब तक आपका मृत्यु नहीं हो रहा है तब तक आप में विकास होता रहता है। पर वृद्धि क्या है, वृद्धि जो है सो विकास का ही एक चरण है, एक प्रक्रिया है, एक भाग आप कुछ भी बोल सकते हैं। वृद्धि क्या है कि आपके एक आयु सीमा पे आके रुक जाती है। जब बालक पूरी तरह से परिपक्व मतलब कि पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। पर विकास क्या है, वो जन्म से लेकर माँ के गर्भ से लेकर जब तक आपकी मृत्यु, जब तक हम लोग की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हम लोग में विकास का कार्यक्रम चलते रहता है। दिन प्रतिदिन विकास होते रहता है। जिस तरह से नदी में जल का प्रवाह होता है उसी तरह हमारे जीवन में जब तक हम लोगों की सांस चल रही है तब तक विकास होता रहता है। तो इस विकास और वृद्धि के ऊपर आपका 1 से 2 पॉइंट का क्वेश्चन बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, और आप मेरे सारे बातों को बस गौर से सुनिए, समझिए, और उसके बाद आपको लगे कोई भी पॉइंट इसमें नोट करने वाला है तो फिर आप इसको नोट कीजिए। तो इसके स्टार्टिंग में विकास वृद्धि हम सबको पता है, मैंने इस पे एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। जैसे ही कोई बालक, कोई शिशु गर्भ में आ जाता है वहां से लेकर उसके मृत्यु तक जो जो अवस्थाएं हैं
उसके ऊपर बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है, और हम उस सारे अवस्थाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा मैं आपको कराऊंगा भी। चलिए, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसमें सबसे पहला अवस्था है आपको क्या, शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था जो होता है सो जन्म से लेके 6 वर्ष तक होता है। दूसरा अवस्था है अपना बाल्यावस्था, ये 6 से लेके 12 वर्ष तक होता है। तीसरा अवस्था है अपना किशोरावस्था, ये अवस्था 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक होता है। चौथा अवस्था है वयस्क अवस्था, ये अवस्था आपको 18 वर्ष से लेके मृत्यु तक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। और एक बात हमेशा मान के चलिए, ये जो एग्जाम होता है सीटेट का या टीईटी का, उतना भी कोई फास्ट लेवल का नहीं, बस इसको आपको समझना है एक बच्चे की मन की तरह, तो आपके लिए एग्जाम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, मानव विकास की क्या अवस्थाएं हैं, ये सारा पढ़ा है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा सो बनेगा इन चारों अवस्था के ऊपर में। मैं आपको एक एक अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, इस चारों को मैं आपको डील करूंगा। हर एक टॉपिक, हर एक अवस्था पे अलग अलग वीडियो बनाकर उसका क्वेश्चन उसी के साथ मैं आपको कराऊंगा, जिससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो आज का यह वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।